हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? रीमा गोरखपुरी के चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। बताइए, मालती इतना ज़्यादा पैसा कमा रही थी, लेकिन चंदा लग के उसका संस्कार हुआ, आत्मा को शांति मिली उसको। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने बच्चे का मुँह भी नहीं ताका साला, कैसा पति है। और उसको अगर उसका इंसाफ नहीं मिलेगा तो हर लेडीज़ के साथ, बहन बेटी के साथ, सबके साथ ऐसा ही होगा। इतना कानून टाइट है, इतना कानून टाइट है, लेकिन लोग कानून को समझ नहीं रहे हैं दोस्तों। कि हम आज किसी को फांसी लगा के, चाहे गला दबा के, चाहे जहर खिला के हम मार देंगे तो हमारा क्या हाल होगा, क्या नहीं होगा, बताइए। ऐसे पति पे तो थू, ऐसे कम से कम एक ठो बच्चा था, बच्चा को भी माँ का कर दिया, अनाथ कर दिया, बताइए। माँ का दिल ऐसा होता है ना, बाप नहीं रहेगा तभी भी बच्चा, माँ रहती हैं भीख मांग के खिलाती हैं, समझे दोस्तों। लेकिन आज उसके साथ हुआ, कल किसी के साथ ऐसा ना हो। और वीडियो को शेयर करें। अगर हमारा वीडियो गोरखपुरिया भौजी आप देख रही हैं तो मालती के भाई का खाता नंबर दीजिए, हम हमारे पास जो रहेगा हम सहयोग करेंगे। हमारे लायक रहेगा हम सब सहयोग करेंगे। हम लोग एक गरीब हैं, गरीब का सपोर्ट नहीं करेंगे तो बेकार है। लाख रुपया कमा के एक हम लोग लेडीज़ हैं, लेडीज़ का मजबूरी नहीं समझेंगे तो बेकार है दोस्तों। लेकिन विष्णुराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था मालती के साथ। इतना अच्छा परिवार था, इतना अच्छे से सब लोग नाच रही थी, कूद रही थी, खेल रही थी, खा रही थी, पी रही थी। पैसा ऐसा चीज़ है दोस्तों कि जान ले रहा है, लोग पैसा नहीं पचा पाए। तो हम जितने मतलब मीडिया वाले हैं, चाहे कोई भी हैं, विष्णुराज का आज के बाद कोई सपोर्ट ना करें। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया, अगर हम कुछ गलत बोल दिए होंगे तो इसलिए आप लोग से माफ़ी चाहते हैं। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो हमारे भैया हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय दोस्तों।